and all the people say, you can't wake up, this is not a dream. Like a part of a machine, you are not. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने जो 80 किलो का जो लहंगा सिला था, मैं उसका आपको लेस लगाना दिखा रही हूँ कि अपन उसको किस तरह से और भी तैयार कर सकते हैं। तो क्योंकि जो लेस है वो मेरे पास 9 मीटर ही है, लेस 9 मीटर में आती है एक चुनरी का पूरा लगने के लिए, लेकिन 9 मीटर लेस इसके लिए कम पड़ेगी। तो मैं बीच में और भी लेस डाल दूँगी, जिससे जब थोड़ा लहंगे के ऊपर के साइड में मैं चली जाऊँगी तो घेर कम हो जाएगा, तो जो लेस है वो बराबर आ जाएगी। तो पहले मैं एक बड़ी लेस लाई हूँ, इस तरह की आप बॉर्डर लेस लाएँ जो काफ़ी बड़ी आती है और अच्छी भी लगती है। तो इसमें इसके बीच में दो लेसेस और अलग डाल दूँगी। तो पहले तो देखिए, मैंने इसको एक साइड से सिल लिया है और इसे मैं अब यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करके इन कर दूँगी और इसे लॉक कर दूँगी, मतलब यहाँ पे मैं सिलाई ले लूँगी और इसके बाद जो है मैं इसके दूसरे साइड में भी धागा लगा दूँगी। ध्यान रहे आप नेट को बिल्कुल ना खींचे, क्योंकि जो नेट होता है वो खींचने से बढ़ता है, तो आपकी जो लेस है वो और भी ज़्यादा कम हो सकती है। तो आप नेट को बिल्कुल लूज छोड़कर रखें और जो लेस पकड़ी हुई है वो भी ज़्यादा टाइट ना खींचें, बस उसे नॉर्मली पकड़ कर रखें। बट आप जो नेट का कपड़ा है उसे बिल्कुल ना खींचें। बस ये ध्यान रहे कि उसमें सिलवटें ना पड़े, मतलब अंदर की साइड में कपड़ा इकट्ठा ना होता जाए, बस उसको इतना बाहर की तरफ रखिए। तो जब आप इनके दोनों तरफ लेस लगा लेंगे तो हमें जो है इसके ऊपर जो है सेम इसी तरह से बारी बारी से और भी लेसेस लगाना है। तो जैसे मैं आपको सारी लेसेस लगा के दिखा देती हूँ। वैसे तो बहुत इजी है, क्योंकि ये सिर्फ लेस लगाना ही है, तो आप कोई भी इनके ऊपर बॉर्डर जो भी आपको पसंद हो, जिस टाइप की भी पसंद हो, बस ध्यान रहे कि आप साइड में जो सबसे पहले यूज़ करें वो बड़ी लेस हो, उसके बाद आप चाहे तो इनसे मैचिंग कलर का भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये वाली लेस जो बड़ी वाली, ये मैं मार्केट से लाई, और जो ये मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास पहले से रखी हुई थी, तो मैं बीच में डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है येलो कलर है सो मैचिंग हो जाएगा, इसलिए मैं डाल रही हूँ। क्योंकि जो ये लेस है वो 9 मीटर मेरे लिए कम पड़ेगी, तो मैं दो लेसेस बीच में डाल दूँगी, तो उसके बाद में ऊपर की साइड में जो घेर है वो कम हो जाएगा, तो शायद वो लेस आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक लेस लगा दी और मैं अब इसको भी यहाँ से वापस इन कर दूँगी और जो है दूसरी साइड में इसके मैं सिलाई ले लूँगी। को भी सेम इसी तरह से करना, मतलब आप जितने भी सिलाई लगाएं उनके दोनों तरफ आपको सिलाई लेनी होगी, जितनी भी लेस लगाएं, और उनको जो है पूरा कर देना है दोनों तरफ से सिलाई लेकर, ठीक है। तो लहंगे पर आप इस तरह से लेस लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पूरे चारों तरफ लहंगे के चारों तरफ इसी से लगा लेना है, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे पूरा लगा लिया। अब मैं एक और छोटी जो इससे छोटी लेस है ग्रीन कलर में या गोल्डन कलर में है, उस पर थोड़े फ्लोरल डिज़ाइन है, वो लेस मैं यूज़ करने वाली हूँ। देखिए तो मैं ये लेस भी लगा दूँगी सेम इसी तरह से, पूरा इसको भी मैं गोलाई में लगा लूँगी। जब मैं इसे भी पूरा लगा लूँगी तो मैं यहाँ पे इसे भी कट करके जो है इन कर लूँगी। तो ये सारी लेसेस हो रखी हैं, आपको इनके जो दोनों साइड में है सिलाई लेनी है। अब मैं इसके दूसरे साइड में भी सिलाई ले लूँगी। एक सिंपल से लहंगे को अपन जो है दूसरे मटेरियल जो भी यूज़ होता है, लेस हो गया, कुंदन हो गए, तो चीट्स हो गई, इन सब से अपन एक सिंपल से लहंगे को काफ़ी डेकोरेट करके अच्छा कर सकते हैं। सो अपन उसको जो है घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर मार्केट में अपन इस टाइप के लहंगा लेने जाते हैं तो मिनिमम 1000 रुपये तक हर कोई मांग लेता है, क्योंकि इनमें जो है सिर्फ हैंडवर्क ज़्यादा होता है, अगर कुंदन वगैरह का वर्क हो तो इसलिए इनके जो है प्राइस ज़्यादा होते हैं। तो घर पर ये बनाने में बहुत ही सस्ता रहता है, क्योंकि जो अपन को ये मटेरियल है वो आराम से मिल जाता है मार्केट में, और कपड़ा है जो इतना महंगा नहीं आता, सिर्फ वो वर्क का ही पैसा लेते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें घर पर ट्राई करते हैं तो एक तो आपका जो है आपको कुछ सीखने को भी मिलता है, और आप आराम से जो है अपने घर पर इसे तैयार कर सकते हैं, वो भी कम बजट में। तो देखिए मैंने दूसरी बड़ी वाली लेस भी जो है इसके ऊपर लगा ली है, मुझे सिर्फ उसके दूसरी साइड में सिलाई लेनी है। अब मैं जो है इसको भी दोनों तरफ से सिल रही हूँ, ताकि ये पूरा परफेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं इसके ऊपर कोई लेस नहीं लगाऊंगी, ताकि इतनी लेस काफ़ी है। अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, अलग अलग टाइप की आप लेसेस लगा सकते हैं, और अगर आपको एक ही तरह की लगानी है तो आप सारी एक तरह की भी लगा सकते हैं, मतलब जो आपकी चॉइस हो आप उस तरह से इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेस पूरी लगा ली है,
और कल जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें मैं कलरफुल लहंगा अपलोड करूँगी। जो मेरे पास बचे हुए नेट हैं उनको मैं किस तरह यूज़ कर कर एक कलरफुल लहंगा बनाती हूँ वो उसका मैं वीडियो अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब देखिए ये एक रेडीमेड गुना मिलता है तो मैं इसको जो है इस लहंगे के नीचे लगा दूँगी, तो इससे ये लहंगा जो है उभरा हुआ इसका उभार सा आएगा तो ये दिखेगा नहीं, नेट जो बिल्कुल बारीक सा छूटा हुआ सा वो नहीं दिखेगा। तो मैं चारों तरफ लहंगे के इसको इस तरह से लगा लूँगी। देखिए आपको जो है ये गुना पूरे लहंगे पर इसी तरह लगाना है। ध्यान रहे ये वाइट वाली पट्टी कम दिखे और ग्रीन वाला हिस्सा दिखे, क्योंकि ग्रीन जो है इस पर मैच कर रही है तो मैंने इसको ग्रीन यूज़ किया। आपको मार्केट में जो है ये रेडीमेड गुना मिल जाएगा तो अपन जो है इसे यूज़ कर लेंगे। सूट में रेडीमेड गुना यूज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है राजपूती पोशाक में, लेकिन अगर आप इस तरह का गुने को सलवार सुई पाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर उनमें डालने के लिए यूज़ करते हैं या लहंगे भी यूज़ करते हैं तो ये जो रेडीमेड गुना है ये काफ़ी काम आता है। तो आप अगर चाहें तो इस तरह का जो है ये लहंगे के नीचे आप लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने लगाया तो लहंगे का अलग ही लुक आया, काफ़ी अच्छा लग रहा है और अट्रैक्टिव लग रहा है। तो आप इस तरह से जो है घर पर इस तरह का सारा अपना लहंगा तैयार कर सकते हैं बहुत ही इजीली। देखिए ये हो चुका है, मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको पूरा तैयार कर लिया है। चलिए अपन इसके एक डबल से ऊपर से सिलाई ले लेते हैं ताकि ये खुले ना। चलिए ये हो चुका है। अब हम इस पर कुछ थोड़े से कुंदन लगा देंगे जिससे इसका जो है थोड़ा अच्छा सा लुक आएगा और ये बिल्कुल प्लेन नहीं दिखेगा। सिर्फ लेसेस लगाने से ये नीचे का हिस्सा भरा हुआ दिखता है और बाकी हिस्सा जो है सही नहीं दिख रहा है। तो बाकी हिस्सा जो खाली खाली सा लग रहा है वहाँ पर अपन कुछ कुंदन लगा देंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने लेस किस तरह से लगाई और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं जो है इन पर इस तरह के कुंदन लगाऊंगी, तो मैं आपको सिर्फ एक लगा के दिखा रही हूँ, आपको बाकी सब सेम इसी तरह से लगाना है। कुंदन तो आपको पता ही है, फैब्रिक ग्लू यूज़ करना है आपको यहाँ पर। फैब्रिक ग्लू पर आप जो है कुंदन लगा सकते हैं सारे। जब मैं ये सारे कुंदन लगा लेती हूँ तो देखिए किस तरह से लहंगा पूरा भरा भरा सा लग रहा है। तो मैं आपको एक बार इसे उठा करके दिखा देती हूँ। चलिए ये काफ़ी अच्छा पूरा तैयार हो चुका है लहंगा, रेडी टू वियर है। अगर आप इसे किसी भी फेस्टिवल में पहनेंगे तो काफ़ी लगेगा। इसके ऊपर ऊपर अगर आप ग्रीन कलर का जोड़ा पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये पूरा तैयार हो चुका है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये लहंगा भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप इस तरह का लहंगा तैयार करना चाहते हैं तो घर पर जरूर तैयार करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।